एक सुषुम चितलाए। मेरे मन एक सुषुम चितलाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक सो चितलाए, मेरे मन एक सो चितलाए। एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक सो चितलाए। गुरु अर्जन देव पातशाह ये शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं कि सभ्य थोक प्राप्त जी आवे एक हाथ। असी बहुतियां नूं खुश करन दा जतन करदे हां पर सारे कदे खुश नहीं होए। कुछ रुस जांदे हन, कुछ मनी जांदे हन। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे हन भाई तू एक गुरु नूं खुश कर लै ते सारा जगत ही तेरा मित्र बन जाएगा, तेरे ते प्रसन्न हो जाएगा। क्यों जो रब दे प्यारे हुंदे हन ਉਹ ਸਭਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋਕ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ।
सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। इसलिए हजूर कहिंदे ने मेरे मन एक सस्यो चित लाए, तू एक नूं प्रसन्न कर लै, एक दा सिमरन कर, एक दे चरणा नाल जुड़, क्योंकि एक दे सिमरन तो बिना होर जितना भी है ये सब तदे ही है। एदे नाल तेरा कुछ सौरना नहीं, जिन्हां ने एक नूं प्रसन्न कर लिया उन्हां दा लोक परलोक सौर गया। ते अगलियां तुकां विच दस रहे हन फिर उन्हां नूं की प्राप्त होया है। आओ श्रवण करो। मेरे मन एक शिशु चित लाए, मेरे मन एक शिशु चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक शिशु चित लाए, मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गहे, मेरे मन एक शिशु चित लाए, मेरे मन एक शिशु चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक शिशु सफल मूरत सफला घरी, जित सच्चे नाल प्यार, सफल मूरत सफला घरी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का
नाम अधारे। दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम अधार। बाह पकड़े गुर का ढिया सोई उतरे अपार में मन एक शिशु चितलाए। मेरे मन एक शिशु चितला एक बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक सो चित लाए। मेरे मन एक सो चित लाए। संत सभा थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। नानक बद्धा घर तहा जिथे मिरतना जन्म जरा। मेरे मन एक सो चितला। मेरे मन एक सो चितला। एक बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक सो चितला। एको जप एको शाला है एक सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत। हर इको दाता सेविए हर एक धियाए। हर इको दाता मंगिए मन चिंदिया पाइए। जे दूजे पासों मंगिए तां लाज मराइए। जेड़ा मनुख अपनी किरत कमाई विचों
वाहिगुरु दा बख्शिया होया खजाना समझ के दसवंद कढ़ रहा है, उदी माया सफल हो जांदी है। उदा खादा पीता पहनिया परवान हो जांदा है। हुण बाकी श्वासां दा दसवंद है। जो 24,000 श्वास असी रात दिन परमेश्वर दे हुकम विच लै रहे हां, ਇਹ ਵੀ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਦ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਦ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਸਵੰਦ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਦ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਆ ਦਸਵੰਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦਸਵੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 500 ਰੁਪਈਏ ਦਸਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਆ ਦਸਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਬਈ 500 ਰੁਪਈਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰਾ ਵਸਤੂ ਦੇਣਗੇ, 1,000-2,000 ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰਿਆ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ਼ੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ਼ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਭਾਈ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ
इत्थे आके एवें ही रुपये लुटा जांदा हर छेवें महीने दसवंध दे जांदा ते उहदे बदले आ कुछ ही लै जांदा इह कितनी कु कीमत दा होवेगा। ये भी कोई अकलबंदी है एडी औखी कमाई करी दी है रात दिन भजे फिरदे आ कार विहार विच ते ओदा दसवंध गुरु नू दिता ते फिर गुरु ने अगों की दिता है एक कड़ा कितने गुदा है ते थोड़ा जिहा प्रसाद दे दिता है बड़ा काटे बंदा सौदा होया उदास है मन आ रे कारवर ते रस्ते विच एक गुरु का सिख मिल गया आख्या भई मैनू जापदा तू आनंदपुर दी आनंदमई धरती तो होके आया जापदा गुरु कोलो होके आए हां मैं गया तां सां सतगुरां दे दीदार करन लई दसवंध हाजिर करन लई गया सां पर लुटी के आ गया आ 500 रुपये हजूर दे अगे पेटा रखे हन ते ओदे बदले आ कड़ा ते थोड़ा जिहा प्रसाद दे के तोर दिते ने ओ गुरु का सिख कहन लगा ना भाई गुरु के लाल ऐसा वचन ना करी गुरु दी मुट्ठी विच तां 14 लोकां दा तन है जिस ते मर्जी है कृपा कर देन जिस ते मर्जी है रहमतां कर देन उहनां दे तां वचनां विच लोक परलोक दे सुखे ने ओए तू तां बड़ा भागा वाला है तैनू सतगुरां ने अपना कड़ा दित्ता किसे नू कड़ा देना अपनी बांह देनी है ओ गुरु ने तुहानू अपना बना के तुहानू एक कड़े दी दात बख्शी है ते प्रसाद दिता है आख्या मैं नहीं मनदा इस गल ये कितने कुदा होवेगा मैं तो ये समझना कि मैं इत्थे आके कुछ गुआ के चलिया खट के नहीं चलिया ओ गुरु का सिख कहन लगा फिर जो कुछ तू गुरु की बेटा कीती है उस तो 100 रुपया वद मैं तेनू दे देना ते ये बख्शिश मेरे ते कर दे मन विच सोचिया भाई ये मेरे पिता तो भी वध मूर्ख है क्योंकि मैं तो 500 गवा के आया ते ये 600 नू अगे प्रसाद बिक रहा है तो इहदा मतलब है उन्हां तो भी वध मूर्ख है भाई जिवें मर्जी है तेरी कर लै मैं तैयार हाँ। ओ गुरु के सिख ने अपना मकान गहने रखिया जो कुछ गहना बदा सी बेचिया ते 600 रुपये इस दी पेटा करन तो पहला बड़े प्यार दे नाल प्रसाद छकाया गर्म जल दे नाल हाथ पैर धोए प्रसाद छकाया सेवा कीती मत्था टेकिया ते आख्या भाई मुख तो एक वेरा कह दे भाई ए बख्शिश जो गुरु ने मैनू दिती है मैं 600 रुपए विच ए तुहानू देंदा हां सिख ने चोली अड्डी आ लिया भाई पहला पैसे पकड़ाए ते फिर इसने किया भाई जो गुरु किया ने मैनू दात दिती है ए दात मैं इना दी चोली विच पाउंदा हां कह के तुर गया जदों घर पहुंचिया भाई हर गोपाल उड़ीक रहा सी कि साहब जी ने की बख्शिशां कीतियां होणगियां किडियां रहमतां अगे करदे हन चोलियां भर के आउंदे हां क्यों भाई गुरु के दर ते तां भाई गुरु की नजर विच ही अमृत है ऐसियां माड़ियां रेखावां मिट जांदियां हन गुरु के सामने आके जेड़ियां के इंसान दुख भोग भोग के एवें जीवन नष्ट कर लैंदा ते गुरु ते दर ते आके तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी भाई हर गोपाल ने जदों तकिया भाई मेरा बेटा आया है बड़े प्यार दे नाल उठ के मिलिया बेटा सतगुरां दी पेटा कीते सी दसवंत ते सतगुरां ने फिर की बख्शिश कीती है की रहमत कीती है आख्या महाराज तुसी तां पिता जी हमेशा ही लुटा आउंदे सी मैं 500 रुपये मत्था टेके सी ते कड़ा ते थोड़ा जिहा प्रसाद मिलिया ते रस्ते विच इक सिख मिल गया मैं 500 ते 600 वट के लियांदे हन ओ बख्शिश उन्हूं दे दित्ती ते प्यारी सात संगत भाई हर गोपाल ते जिहड़ियां बरकतां गुरु घर दियां सन ओ खत्म हो गई
क्योंकि गुरु घर विच खाता है तो भाई तेरी सांझ है। दिनों दिन कटता जा रहा है, आज रोटी तो भी आवाजार हो गए। अख्या बेटा तू बहुत माड़ा कीता है, तू मेरा जीवन ही भ्रष्ट कर दिता है माया दे मगर लग के। चल उसे सिख कोल चलिए। सिख दे चरनी हाथ लाया, महाराज जो मर्जी है ले ले पर वो बख्शिश सानू दे दे। सिख ने आख्या भाई ए बख्शिशा नहीं मिलदियां, क्योंकि गुरु के सिख नू ऐसे रंग भाग लगे सन जदों हल वा रहा सी तां देग मोरां दी निकल आई। ते सोने महल माड़ियां बन गए, जमीना होर बन गईयां, रंग लगे हुए हन। इस पिंड दा कोई नक्शा ही बदल गया। ते भाई हर गोपाल ने जदों चरण पकड़े ता आख्या भाई मैं तेरी सिफारिश करदा हां गुरु के, पर ए बख्शिश नहीं मोड़ सकदी, उचारण करो श्री वाहिगुरु। जां साहिब कलगीधर पातशाह जी दे चरणा विच आके मत्था टेकिया, भाई हर गोपाल ने नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते। गरीब नवाज मेरी मैनू दे दिओ, जो बख्शिश मेरे ते कीती है मेरा लोक परलोक सवार दिओ। ता गुरु ने आख्या भाई इत्थे तां ओही चोलियां पार के जांदा है जिवें हजूर ने कहा, तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय। इत्थे सियाणप नूं तज के जिहड़ा आया ओह चोलियां पार के जांदा। एक आस हर मन रखो नानक दुख परम हो जाए। भाई हर गोपाल दियां वी गुरु ने चोलियां पार दित्तियां। गुरु दे घर विच कोई घाटा नहीं भाई, असी श्वासां दा दसवंद वी ते माया दा दसवंद भी गुरु दे लेखे लाउणा, क्योंकि हजूर एक गल कह रहे हन। मेरे मन एक ससो चित लाए, एक बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक ससो चित लाए, एक ससो चित लाए। बंदी छोड़
निरंकार दुख दा कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया धारी नाम परियो भगत गोविंद का नाम परियो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी पैज तुम्हारी ए राखो पैज पैज तुम्हारी ए राखो पैज पैज राखो पैजी
भगत गोविंद का नाम परियो, हो भगत गोविंद का राखो पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी एह राखो पैज, पैज जामी सब बिद जाने ता किस पे आख सुनाए, हरी अंतर जामी सब बिद जाने ता किस पे आख सुनाए, कहने कथन न भीजे गोविंद हर भावे पैज रखाये, अब रियोट में सगली देखी, अब रियोट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये, ए राखो पैज पैज तुम्हारी, एहे राखो पैज पैज तुम्हारी, जी नाम परियो भगत गोविंद का नाम परियो, भगत गोविंद का राखो पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी ए राखो पैज, पैज तुम्हारी ए राखो पैज, पैज तुम्हारी। कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने विनंती, होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चुके मन की चिंती, हर हर नाम अब खत मुख पाया, हर हर नाम अब खत मुख पाया, जन नानक सुख वसंती, जन नानक सुख वसंती, एह राखो पैज पैज तुम्हारी, एह राखो पैज पैज तुम्हारी, सुत अपराध करत हैं जेते
जननी चीत नाराखस ते ते रामैया रामैया हाँ बारक तेरा रामैया हाँ बारक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा। सब कुछ कर दिया होया भी मनुख ने अकाल पुरख अगे ए अरदास करनी कि रामैया हों बारक तेरा। जे बारक बन गया है तो भाई फिर हर वेले फिर निर्मल पाव विच रहना उदे हुकम विच चलना। जे बारक है सपुत्र है तो फिर पिता दे हुकम विच चल ते जेड़े उदे हुकम विच उदे निर्मल पाव विच चलते हैं उना दी परमेश्वर हर थां हर जगह आप रख्या करदा है आप उना दी जय जयकार कराउंदा है। साहिब पंजवें पातशाह जी दे समय भाई पतंग जी होए हन साहिब जी दे चरणा विच आके नाम दी दात प्राप्त कीती ते साहिब जी ने सत दा उपदेश दिता भाई किसे नाल ठगी नहीं मारनी दगा नहीं करना किसे दी अमानत विच ख्यानत नहीं करनी। ते भाई साहब जी दा किरयाने दा कम सी ते सत पुरश समझ के लोक अमानता भी इना दे पास रख के जांदे सी। राज दरबार विच भी बड़ी इज्जत सी भाई पतंग जी दी भाई बड़ा सुच्चा मोती है गुरु नानक दे दरता प्यारा है बड़ी शोभा सी। एक मनुख जिसका नाम सी जमाल खान ए भाई साहब जी दे पास अमानत रखन आया 500 मोरा हन आ भाई साहब मेरिया रख लो। ते भाई पतंग जी एक डब्बी विच ए मोरा रख के ते वही विच लिखनिया भुल गए ते जिथे अमानत जिस खजाने विच रखदे सन ए भी भुल गए के ओथों चुक के खजाने विच रखनिया हन। समा पा के जमाल खान जदों आया तां कहन लगा भाई साहब मेरी अमानत मैनू दे दियो। तां भाई साहब ने वही फोली किते ना नहीं लिखिया होया तजोरी वेखी उदे विच भी कोई नहीं आख्या भाई तेरा ना तां ना लिखिया होया ना तजोरी च ही तेरा कोई पैसा पिया इसलिए तेरे पैसे साडे कोल तां नहीं हन। उचारण करो श्री जमाल खान मुसलमानी राज सी आख्या मैं नवाब नूं जाके शिकायत करांगा जे तू मेरी अमानत विच ख्यानत करेगा। आख्या वही वेख लै भाई पतंग जी ने ओदे कहण ते फिर सारा कुछ वेख्या पर नहीं लभियां। आख्या भाई हुण जिथे मर्जी है तू जाके फरियाद कर लै मेरी वही विच कोई तेरे पैसे नहीं लिखे होए ते जे उस तरह कहना है तो मैं तेरी मदद कर देना। उचारण करो श्री जमाल खान ने जाके नवाब दे पास शिकायत कीती के भाई पतंग ने मेरिया 500 मोरां लैके ते फिर ऐश वेले हुण मैनू दे नहीं रहा मेरी अमानत इसने जप्त कर ली है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। नवाब समझदा सी के गुरु नानक दे दर दे प्यारे सिख कदे कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते। उन्हों पता सी भाई पतंग नू सद्या गया भाई पतंग जमाल खान की कह रहा है असी तो तेनू जानते हाँ तू सुचा मोती किसे नाल कदे कोई ठगी नहीं कीती किसे नाल तू कदे कोई दगा नहीं कीता पर झूठ ए भी नहीं बोलन वाला। इसे ही राज दरबार विच नौकरी करता है कदे इसने ऐसा कोई झूठ नहीं बोलिया। उचारण करो श्री। भाई पतंग कहन लगा महाराज
जे हुकम करो तो मैं ए परन नू तैयार हां, पर मेरी एदी कोई अमानत मेरे पास नहीं है। नवाब ने सोचिया भाई हुन मैं इंसाफ किवें करा, ए भी झूठ नहीं बोलन वाला, आ भी नहीं बोलन वाला। ता फिर रब ते सुट दिती, खुदा ते डोरी सुट दिती, आख्या भाई कड़ाया तेल दा तपा लैंदे हां, सीधी गल है, ते विच तांबे दे पैसे सुट देने आ, जेड़ा गर्म तेल विचों जाके पैसा चुक लिया वे हाथ ना जले ओ सच्चा, ते जिदा जल जावे ओ झूठा। उच्चारण करो श्री भाई का। भाई पतंग नैन कटोरे भर आए, ते फिर साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा ध्यान तर लिया, ते कर रहा अरदास, एहे राखो पैज तुम्हारी, एहे राखो पैज, पैज तुम्हारी, एहे राखो पैज, पैज तुम्हारी, नाम परयो जी भगत गोविंद का, राखो पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी, एहे राखो पैज, पैज तुम्हारी, एहे राखो पैज, पैज तुम्हारी। ए गुरु अर्जन देव पातशाह, मैं कदे कोई जान बुझ के ऐसा कम नहीं कीता, क्योंकि आप दा बचन है, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। आप दा बचन है, जिथे सिमरन शास्क राज सिमरन करना, उत्थे अपना विहार भी शुद्ध करना, क्योंकि जिस मनुख दा विहार सच्चाई दे उपर है, उस दा परमार्थ आपे ही शुद्ध हो जांदा है। जिदा विहार झूठा है, वह जितना मर्जी है सिमरन कर लवे, वह सिमरन प्रफुल्लित नहीं होंदा। उच्चारण करो श्री हजूर कहिंदे ने, सत व्यवहार भी करना, जे तेरा विहार बिगड़ गया तो परमार्थ कदे नहीं सौर सकता। गरीब निवाज, मैं कदे जान बुझ के तो ऐसी गलती नहीं कीती, ते हुण मेरी पैज तू रखनी है। किसे दा कोई आसरा, किसे दा कोई आसरा, पर मेरा तो सबो कुछ तू ही है। जां अरदास करके पाई पतंग ने उस बलदे तेल विच हथ पाया, जाके पैसे कढ ले आया, बाहां नूं कोई लाज तक नहीं लगी। उच्चारण करो श्री भाई। हुण जमाल खान दी वारी आई, ओ भी करन लगा याद, पर बाहां सड़ गई। जदों हथ पान लगा तो हथ जल गया, बाकी पानी सी। उसे वेले उसनू तो दवाई दे अधीन उदा इलाज करन वास्ते भेज दिता, ते इधर भाई पतंग जी मन विच बड़ा खोभ है, भाई मेरी वजह करके किसे नू दुख पहुंचे, ये क्यों पहुंचे। हे वाहिगुरु, जे इदी अमानत मेरे पास है तां कृपा कर मैं इदा बोझ उतार सकां। ते जां कोई गाक सौदा लैण लई आया ना, भई फलानी चीज चाहीदी है, ते ज्यों ओ कुजियां खोलन लगे ना, ओ सौदे नूं लभण लगे, ते विच्चों भाई जमाल दी दित्ती होई ओ थैली लभ पई। उचारण करो श्री भाई। भाई साहब नूं भुल गया सी, चट थैली लै के 500 मोहरां हन, जमाल खान दे घर गए, भाई तेरी अमानत सानू मिल गई है, आ किते उरे परे रखी गई सी, गाक आया सौदा लभन लगे ते लभ गई, आ तेरी अमानत है लै लै। ते जमाल खान कहिंदा, मैं राज दरबार विच्चों भी हर चुकिया, उंज भी मैं झूठा पै चुकिया, हुण ये अमानत मैं नहीं लैनी। ते भाई साहब कहण लगे, मैनू गुरु दा हुक्म नहीं, मैं किसे दा भी पैसा अपने पास नहीं रख सकता।
हक पराया नानका ओ सुअर उस गाए गुर पीर होमा तां भरे जा मुरदार ना खाए। ए मुरदार है किसे दी अमानत विच ख्यानत करके खाई जाना। अख्या मैनू ऐसे गुरु ने ए शब्द सिखाए नहीं हन, ए कम सिखाया नहीं। उचारण करो श्री ता फिर मैं तेरे गुरु दे दीदार करना चाहना ते ओदे कोलों कोई सवाल पूछना चाहना। जे ओ देवेगा तो मैं अपनी अमानत मोड़ लवांगा। भाई जमाल नू नाल लैके भाई पतंग जी गए। गुरु अर्जन देव पातशाह दीवान विच सशोभित हन, मत्था टेकिया। भाई पतंग दे नैन कटोरे भर आए, हजूर दे चरना तो मस्तक नहीं चुकदे। साहब जी ने दोहां हत्थां नाल, भाई पतंग तू गुरु नानक दे दर ते परवान होए, असी सब समझदे हां, तेरा कोई कसूर नहीं। उचारण करो श्री वाहिगुरु। भाई पतंग ते बेअंत बख्शिशां कीतियां। हुण जमाल खान ने भी हाथ जोड़े ते आख्या, महाराज मैं भी एक प्रश्न लैके आया कि सच्चा मैं भी सां ते सच्चा ए भी सी, पर इस दा हाथ नहीं जलिया, मेरा हाथ जल गया, इहदा की कारण है। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भई इसने मन करके कोई कसूर नहीं कीता। भुलण अंदर सब को जेड़ी अचिंते ही भुल होंदी है ओ भुल नहीं होंदी, जेड़ी जान बुझ के कीती जाए ओ भुल गिनी जांदी है। फिर तू जदों इसने जदों अरदास कीती है तां एक मन होके एक गुरु नानक दे चरणा विच अरदास कीती है, ते तू अपनी अरदास विच कई पीर फकीर मनांदा रहा। जिसनू तू याद कीता ओ तैयार होण लगा तेरी रखिया वास्ते, तू दूजे दा नां लै लिया, फिर तीजे दा नां लै लिया, चौथे दा नां लै लिया। तू इसे तरह नां लैंदा गया पर तो तेरी कोई भी सहायता ना कर सकिया, क्योंकि एक दे उत्ते तेरी आशा नहीं सी। उचारण करो श्री वाहिगुरु। तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय, आख्या पार तां ओही उतरदे हन। भाई एक आश हर मन रखो, नानक दुख परम भव जाए। उन्हां दे दुख भी ते परम भव भी मिट जांदे हन जिहड़े एक दी आश रखदे हन। भई हे गुरु नानक, मैं तेरा दित्ता खांदा हाँ, तेरा दित्ता पहनदा हाँ, जो तू कराउंदा है सो करदा हाँ। जिहड़ी वस्तु तू दित्ती है ओ मेरे लई सुखदायक सी, जिहड़ी नहीं दित्ती ओ मेरे लई चंगी नहीं होनी, ताईओ नहीं ना दित्ती। क्योंकि पिता कदे भी अपने बच्चे दे नाल कोई त्रो नहीं कमांदा, उन्हूं ओही वस्तु देंदा जिहड़ी उस लई सुखदायक होवे। भाई जमाल ने जदों ए अंतर जामता दे बचन सुने, भाई वाकया ही मैं बड़े पीरां फकीरां नूं याद कीता, पर काश के एक नूं कर लैंदा तां मेरी भी कोई रख्या करदा। उचारण करो श्री। सतगुरां दे पास रह के सच दा उपदेश लै के सेवा करके भाई पतंग तां जीवन मुक्त सी, ते भाई पतंग दी संगत करके जमाल खान भी संसार सागर तों तर गया। इसलिए जिन्हां ने भाई मन करके अरदास कीती है, अरदास कीती सी द्रौपदी ने किवें रखिया हो, अरदास कीती सी हाथी ने, आ फुल रुड़दा आ रहा है ते वेख्या भाई हुण तंदुए ने मैनू छड़ना नहीं, ते ओ कवल फुल भगवान दी भेटा कीता, ते फिर किवें आप आके उन्हां दी रख्या कर दे। किवें साहिब जी ने प्रहलाद दी रख्या कीती, ध्रुव दी रख्या कीती। अनेकां मिसालां हन जिन्हां ने आके भाई एक मन होके अरदास कीती, ते ईश्वर आप आके उन्हां दी रख्या करदा रहा, अज भी करदा है। भाई साडे प्यार दी लोड़ है, भावना दी लोड़ है। आ गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हन, ए राखो पैज तुम्हारी, ए राखो पैज, पैज तुम्हारी, ए राखो पैज, पैज तुम्हारी। जी नाम परियो भगत
गोविंद का नाम परियो, भगत गोविंद का राखो पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी ए राखो पैज तुम्हारी, ए राखो पैज तुम्हारी। सतनाम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, राखो पैज तुम्हारी, ए राखो पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी, पैज तुम्हारी।